In this video, we will discuss the topic Nerkse's thesis of disguised unemployment. Regner Nurkse was an Estonian international economist and policymaker mainly in the fields of international finance and economic development. First is the nature of unemployment in developed and underdeveloped countries. First is nature of unemployment in developed countries. In developed countries, unemployment is of cyclical, frictional, and structural nature. Frictional means of or produced by the action of one surface or object rubbing against or moving over another जो डिवेल्प कंट्रीज हैं डिवेल्प कंट्रीज में साइक्लिकल फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू टेम्प्रेरी लैक ऑफ डिमांड अगर डिमांड में कमी हो जाए तो प्रोडक्शन सेल नहीं होगा तो नया प्रोडक्शन नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी दैट इज़ द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस तो जब इंडस्ट्री में कोई चेंज आती है कोई टेक्निकल चेंज तो उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल दस दीज अनएम्प्लॉयमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट तो इन अनएम्प्लॉयमेंट्स को हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं दीज अनएम्प्लॉयमेंट्स आर ऑफ शॉर्ट रन नेचर तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं इन डिवेल्प कंट्रीज साइक्लिकल फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल दीज आर ऑफ शॉर्ट रन नेचर बिकॉज बाय द टाइम दीज अनएम्प्लॉयमेंट्स कैन भी रिमूव्ड बाय इनक्रीज इन डिमांड तो ये जो डिवेल्प कंट्रीज हैं डिवेल्प कंट्रीज में जो अनएम्प्लायमेंट होती है साइकिलिकल, फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल इसको जल्दी ही खत्म किया जा सकता है थ्रू इंक्रीज इन डिमांड इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवेल्प कंट्रीजो अंडर डेवेल्प कंट्रीज हैं इनमें अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती हैं इन अंडर डेवेल्प्ड कंट्रीज मैनी पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं एंड दस देर इज डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट तो डर कंट्री में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ये जो दो अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज इन अंडर कंट्रीज एंड दिस इज इन डेवलप कंट्रीज डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट इट इज कंसील्ड छुपी हुई होती है ये अपेरेंटली ऑल पीपल आर एम्प्लॉयड वाइल फैक्ट सम आर नॉट, तो दिखने में सब लोग लग रहे हैं जैसे काम पर लगे हुए हैं बट कुछ लोग काम पर नहीं होते तो तभी हम उसको बोलते हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी इट विल बी ओपन तो डिस्काइज इज कंसील्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज ओपन सेकंड पॉइंट वर्कर्स आर जनरली एंगेज इन फैमिली फार्म्स। तो जो डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें ज्यादा लोग फैमिली के काम में ही हाथ पटानते हैं बट इन इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट हायर्ड बाई अदर्स तो यह अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होती है क्योंकि बाकी लोगों ने और लोगों ने इनको हायर नहीं किया काम नहीं दिया थर्ड इन दिस केस राइज इन सप्लाई ऑफ मनी विल रेज प्राइस लेवल ओनली तो अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें कंट्री में तो डिस्काइज्ड अनएम्प्लायमेंट में क्या होगा बिकॉज ऑफ द राइज इन मनी सप्लाई डिमांड विल राइज सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी बट इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जब हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे इट मे बी रिमूव्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिमूव हो सकती है क्योंकि इस केस में जैसे ही मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट होगा और प्रोडक्शन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी फोर्थ डिफरेंस इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट तो अप्रोक्सीमेशन होता है एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट है बट इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इट इट कैन बी प्रिसाइसली एस्टिमेटेड तो इसको बड़ा ही आराम से क्लियर कट एस्टिमेट किया जा सकता है वट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलते हैं डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एम्प्लॉयड टू डू अ जॉब विच कैन बी डन विद इक्वल एफिशंसी बाय अ लेस नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट की यह फॉर्मल डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग जितना काम सेम एफिशिएंसी से कम लोग कर सकते हैं उतना ही काम ज्यादा लोग कर रहे हैं तो जितने लोग ज्यादा हैं वो हैं डिस्काइडली अनएम्प्लॉइड वी कैन एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। सपोज जो काम है उस काम में हमें आठ लोगों की जरूरत है रिक्वायर्ड आठ लोग रिक्वायर्ड हैं बट काम में लगे हुए हैं टेन तो काम कर रहे हैं टेन तो ये जो दो लोग हैं एक्स्ट्रा दिस इज नोन एज डिस्काइडली अनएम्प्लॉयड तो ये डिस्काइज अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब टेन लोग जितना काम कर रहे हैं सेम काम एट लोग कर सकते हैं सपोज जो टेबर है आउटपुट है एट लोग आर टेन पीपल एट पीपल आर प्रोड्यूसिंग सपोज वन हंड्रेड आउटपुट टेन पीपल आर आल्सो प्रोड्यूसिंग वन हंड्रेड आउटपुट तो आठ लोग जितना काम कर सकते हैं दस लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं तो यहां पर हमने दो लोग एक्स्ट्रा लगा रखे हैं जिसको हम कहते हैं डिस्काइजली अनएम्प्लॉयड क्योंकि अगर हम इन दो लोगों को काम से हटा दें आठ लोगों को काम पे लगाएं, तो भी जो आउटपुट है वो सेम रहेगा वन हंड्रेड इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आल्सो this is very simple diagram we can draw this diagram again for better understanding horizontal axis we are taking number of persons and on vertical axis we are taking output quantity of output suppose we are employing n1 people and maximum suppose

डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट इससे ज्यादा आउटपुट हम नहीं बढ़ा पा रहे तो अगर हम और लोगों को काम पर लगा दें सपोज एन टू लोगों को काम पर लगा दें देन आउटपुट इज सेम क्यू वन इन दिस डायग्राम एन वन पीपल आर प्रोड्यूसिंग क्यू वन आउटपुट तो जब हमने ज्यादा लेबर को काम पे लगाया एन टू लेबर को काम पर लगाया ओ एन टू लेबर इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्यू वन तो इतने लोगों को अगर हम काम से हटा दें एन वन एन टू तो भी जो आउटपुट है एन टू पे था क्यू वन एन वन पे भी है केन जैसे हमने अभी टेबल में समझा इस एग्जांपल में हमने ये समझा जैसे दिस आर द एट पीपल दिस आर द टेन पीपल एंड दिस इज आउटपुट वन हंड्रेड कि अगर हम एट आठ लोगों को काम पर लगाते हैं तो आउटपुट है वन हंड्रेड और अगर हम दस लोगों को काम पर लगाते हैं तो भी आउटपुट है वन हंड्रेड तो दो लोगों को एक्स्ट्रा लगाने से आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं हुआ तो अगर हम एन टू लोगों को काम पर लगाते हैं तो ये जो दो लोग हैं इसको हम कहेंगे डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि अगर हम इन दो लोगों को काम से हटा भी दें तो भी जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ेगा फीचर्स ऑफ डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट के क्या फीचर्स हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो वट इज द मीनिंग ऑफ दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन दिस केस यू कैन चेक लेबर आउटपुट एट लेबर इज प्रोड्यूसिंग हंड्रेड आउटपुट टेन लेबर इज आल्सो प्रोड्यूसिंग हंड्रेड आउटपुट तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल चेंज इन क्यू इज हंड्रेड माइनस हंड्रेड जीरो एंड चेंज इन एल इज टू तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस लेबर इज जीरो जो दो लोग हमने एक्स्ट्रा काम पर लगाए उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है दैट इज जीरो इट मीन्स आठ लोग जब हमने काम पर लगाए थे तो वो प्रोड्यूस कर रहे थे वन हंड्रेड जब हमने दो और लोगों को काम पर लगाया तो भी आउटपुट है वन हंड्रेड इट मीन्स जो हमने एडिशनल टू लोगों को काम पर लगाया उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दिस इज द फीचर दैट मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई हु आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड डिस्काइज्ड तो हम तभी बोलते हैं इसको छुपी हुई कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से दो लोग हैं जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं क्योंकि जब हम देखेंगे प्रोडक्शन हो रहा है तो दस के दस लोग काम पर लगे हुए दिखेंगे तो कौन से दो फ्री हैं ये नहीं पता चलता इन लेस्ट कंट्रीज एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ कैपिटल इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट तो डिस्काइज अनएम्प्लायमेंट का जो मेन कारण है अंडर डेवलप कंट्री में वो तो दो कारण है एक तो है पॉपुलेशन का ज्यादा होना दूसरा है कैपिटल की कमी होना इट इज जनरली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल फैमिलीज तो ज्यादा करके एग्रीकल्चर फैमिलीज में पाया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और कहीं काम नहीं है तो जैसे ही फैमिली मेंबर ग्रो होते हैं बड़े होते हैं तो वो खेतों में जाते हैं काम करने के लिए तो पहले आठ लोग काम पे जाते थे प्रोडक्शन खेतों में होता था अब दस लोग जाते हैं प्रोडक्शन फिर भी पहले जितना ही हो रहा है इन लेस डेवेल्प कंट्रीज इट इज इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज तो लेस डेवेल्प कंट्रीज में अगर हम देखें तो क्योंकि ये एग्रीकल्चर फैमिलीज में है इसलिए ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड अलाइड एक्टिविटीज में आता है तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में हम क्या इंक्लूड करते हैं द इकनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं एक तो है ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स फ्रूट्स नट्स सीड्स वेजिटेबल्स दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ टी कॉफी एंड रबर प्लांटेशन तीसरा है एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल सर्विसज एंड फोर्थ है एंसलरी एक्टिविटीज ऑफ कल्टिवेटर्स सच एज गुड मेकिंग Transportation of own produce to primary markets, activities yielding rental income from farm buildings and farm machinery, and interest on agricultural loans. In place of crops, livestock and livestock products include breeding and rearing of animals and poultry, besides private veterinary services, production of milk, slaughtering, preparation and dressing of meat. प्रोडक्शन ऑफ रा हाइड्स एंड स्किन एक्स डंग राट्रा तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो अलाइड में आती हैं तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में ज्यादा करके ये एक पाई जाती है डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट इट इज परमानेंट एंड लॉन्ग टाइम फीचर ऑफ सर्टेन कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें ये पाई ही जाती है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं एशियन कुछ कंट्रीज हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनमें ये हमेशा एक परमानेंट है कि वहां पे एग्रीकल्चर लोग करते हैं इंडस्ट्री की कमी है कैपिटल की कमी है फैमिली साइज बड़े हैं पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग खेतों में ही घर के खेतों में ही काम करते हैं तो डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है नो कॉजेज ऑफ डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवेलप कंट्रीज जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या कारण है वन इज़ द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से दूसरा लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है कैपिटल ग्रोथ नहीं है तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज है बिकॉज ऑफ लो कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है तो जो लेबर है उसको कहीं और काम नहीं मिल रहा तो लेबर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही जॉइंट फैमिली सिस्टम है लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो और कोई वहाँ काम नहीं है लेबर कहीं दूसरी जगह काम करना पसंद नहीं करती अपने घर के पास रहना चाहते हैं तो अगर काम नहीं है तो वो अपने ही खेतों में काम कर लेते हैं इसको हम कहते हैं डिस्काइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो ये कुछ कारण हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट के नॉट डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं इसके लिए दो थ्योरीज हैं एक तो है लुइस थ्योरी एक है नर्क से थ्योरी लुइस थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्थर लुइस वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड द जेम्स मेडिसन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन सेवन ही वॉज द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस लुइस इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ वर्कर्स आर विद ड्रॉन फ्राम द सबसिस्टेंस सेक्टर तो जो दो लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं अगर हम उनको वहां से हटा लें एंड एंगेज इन कैपिटलिस्ट सेक्टर तो अगर उनको हम इंडस्ट्री सेक्टर में भेज दें देर मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी वुड इनक्रीज क्योंकि फार्म सेक्टर में उन दो लोगों की जो मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो है जीरो तो जब वो इंडस्ट्री सेक्टर में जाएंगे तो वो काम करेंगे एडिशन होगा आउटपुट में तो उनकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी बनेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी हाउएवर इफ दे आर पेड लोअर वेजेस तो अगर हम उन दो लोगों को लोअर वेज दे दें तो लोअर वेज हम उन दो लोगों को कैसे देंगे क्योंकि खेतों में अपने डिस्काइज अनएम्प्लॉयड जब वो थे उस टाइम तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था इसलिए वो कम वेज में भी काम कर सकते हैं Then, capitalist would earn surplus. तो जो कैपिटलिस्ट होगा मालिक होगा फैक्ट्री का उसके पैसे बच जाएंगे उसको पास सरप्लस होगी दिस सरस बिकम्स दोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन तो इस सरप्लस को वो स्पेंड कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है दिस इज द लुएस वर्जन ऑफ दिस थ्योरी तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल है इन दिस वीडियो वी विल आर डिस्कसिंग से थ्यूरी तो से का क्या कहना है इन लेस डिवेल्प कंट्रीज मोर वर्कर्स आर एंगेज इन फार्मिंग ऑपरेशन देन एक्चुअली नीट इट जैसे हमने देखा कि आठ लोगों की जरूरत है बट लगे हैं दस तो आठ लोगों की जरूरत है दस काम कर रहे हैं दस देर इज लो पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग्स तो सेविंग भी नहीं है सेविंग क्यों नहीं है क्योंकि आठ लोगों ने जितना काम किया उसको खाने वाले दस हैं क्योंकि आउटपुट तो दस ने भी उतना ही किया जितना आठ ने किया दो लोग एक्स्ट्रा काम पे लगने से आउटपुट तो इंक्रीज नहीं हुआ बट कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी इसलिए कंजम्पशन जब इंक्रीज होगी तो सेविंग कम हो जाएगी

सिंपल अगर हम लगाए एक हजार रुपए कमा रहे हैं तो एक हजार रुपए कमा कर ये आठ सौ रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और दो सौ रुपए अपने दो इन मेंबरों के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो ये है इनका डिस्काइज सेविंग पोटेंशियल दो सौ रुपए सेव जो कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डिस्काइज सेविंग पोटेंशियल अकॉर्डिंग देयर इज पॉसिबिलिटी हॉ एवर ऑफ टेकिंग सरप्लस पीपल अवे फ्रॉम द लैंड तो ये जो दो सरप्लस लोग हैं इनको हम लैंड से दूर ले जाए एनी थिंग देड प्रोड्यूस एल्सवेयर तो दूसरी जगह पर ये जो भी प्रोड्यूस करेंगे वुड बी ए क्लियर एडिशन टू द रियल नेशनल इनकम तो वो नेशनल इनकम में एड ही होगा क्योंकि अपने घर में या जो भी यहाँ पे ये यह काम कर रहे हैं दो लोग एक्स्ट्रा तो इनके प्रोडक्शन में तो ये दो लोगों की कंट्रीब्यूशन बन ही नहीं रही तो अगर हम इन दो लोगों को यहाँ से निकालें कहीं भी लगा दें काम पे फार्म सेक्टर के बिना उनके अपने घर के काम के बिना कहीं भी अगर हम लगा दें तो वहाँ जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे वो एडिशन ही होगा क्योंकि वो पहले तो वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे थे कुछ नर्कसे जेस्ट दैट दीज पीपल कुड भी एंगेज इन इरीगेशन वर्कस तो नर्कसे ने एक लिस्ट भी दी है कि कहाँ कहाँ हम इन लोगों को काम दे सकते हैं इरीगेशन वर्कस में काम दे सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में काम दे सकते हैं डैम कंस्ट्रक्शन में काम दे सकते हैं या और जितने भी सोशल ओवरहेड हेड कैपिटल है इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पर हम इनको काम दे सकते हैं बट <coughs> उसके लिए हमें दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कैसी प्रॉब्लम्स हैं ये फर्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस तो जब हम इनको दो लोगों को यहाँ से हटाएंगे कहीं और लेकर जाएंगे तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा पैसा फाइनेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द बेसिक प्रॉब्लम इज ऑफ प्रोवाइडिंग फूड तो यहाँ पर पैसा क्या करना है हमें जब हम उनको उनके घर से हटाकर कहीं दूर ले गए कैपिटल सेक्टर में ले गए तो वहाँ पे हम उनको फूड देना चाहते हैं देना पड़ेगा क्लोथिंग देना पड़ेगा शेल्टर देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान तो जो दो लोगों को हमने एग्रीकल्चर से हटाया है तो उन दो लोगों को हमें ये चीजें देनी है तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस कहाँ से आएगा से इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर दीज रिक्वायरमेंट्स रोटी कपड़ा मकान दीज वर्कर्स शुड कंटिन्यू टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर रूरल काउंटर पार्ट्स एज बिफोर मतलब जैसे आठ लोग चाहिए थे इनके घर में काम कर रहे थे दस लोग तो ये दो लोग एक्स्ट्रा हमने यहाँ से हटा लिए इनको हम ले गए कैपिटल सेक्टर में अब पहले क्या था जैसे मैंने आपको बताया कि आठ लोग जो थे ये पैदा कर रहे थे सपोज एक हजार रुपये का आउटपुट आठ सौ रुपये ये अपने लिए खर्च कर रहे थे दो सौ रुपये ये इनको दे रहे थे इनके खर्चे के लिए जो दो लोग एक्स्ट्रा हैं तो नरसे के अकॉर्डिंग ये आठ लोग जो हैं वो अभी भी दो सौ रुपये इन दो लोगों को देते रहें जो हमने इंडस्ट्री में भेज दिए अभी भी उनके फैमिली मेम्बर जो हैं आठ जो वो हजार रुपये कमा रहे हैं वो आठ मेंबर अपना खर्चा आठ सौ ही रखें और हजार में से दो सौ रुपये बचाएँ और अपने उन दो मेंबरों को दे दें जो खेतों से हटकर कहीं और चले गए दे आर बींग सपोर्टेड बाई देयर फैमिली में टू क्योंकि पहले भी ये आठ लोग जो थे पहले भी हजार में से दो सौ रुपये इनको देते थे जब ये येजली अनएम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर में तो तब पहले भी तो देते थे अभी भी दे दें नरसे के अकॉर्डिंग द यूज ऑफ डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द अकूमलेशन ऑफ कैपिटल तो डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कैपिटल अकोमोलेन के लिए यूज करना चाहते हैं कुड बी फ्रॉम द सिस्टम इट तो क्या होगा सिस्टम के अंदर से ही फाइनास इनको हो गए मतलब इनको जब हम कैपिटल सेक्टर में लेकर गए तो इनको जो पैसा था जो इनको एक्स्ट्रा वेजेस थे वो अपने घर से ही मिल गए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग टू ईट लेस तो हम इनको आठ लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 800 सो कंजम्प्शन ना करो 800 से कम कंजम्पशन करो और कम कंजम्पशन करके पैसे बचा के दो लोगों को दो नहीं हम इनको क्या बोल रहे हैं आठ लोगों को ओनली ऑफ प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम ईटिंग मोर कि आप आठ से ज्यादा कंजम्पशन ना करो क्योंकि आठ लोग जो हैं ये हजार रुपए कमा रहे हैं आठ सौ रुपये पहले अपने ऊपर खर्चते थे दो सौ रुपए खर्चते थे अपने दो मेंबरों के ऊपर तो अब दो मेंबर चले गए बाहर फैक्ट्री में तो ये ना हो कि आठ लोग जो बचे वो हजार रुपये खुद ही खर्चने लग जाए अपनी कंजम्पशन आठ सौ से बढ़कर नौ सौ हजार कर दें नहीं तो हम इनको बोल रहे हैं कि आप अपनी कंजम्पशन कम ना करो और बढ़ाओ भी ना सेम रखो वट इज वांटेड इज दैट दे गो ऑन फीडिंग देयर डिपेंडेंट्स ताकि जो दो सौ हैं वो अपने दो लोगों को देते रहें हु लीव द फॉर्म्स टू गो टू वर्क ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट जो ये दो लोग हैं बाहर चले गए तो जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो तो ऐसे सॉल्व हो सकती है सेकंड प्रॉब्लम जो आए आ सकती है सेकंड प्रॉब्लम आ सकती है टूल्स की प्रॉब्लम क्योंकि जब हम उनको इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे फैक्ट्री सेक्टर में लेकर जाएंगे तो उनको चाहिए होंगे टूल्स दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड सिंपल टूल्स क्योंकि जो दो लोगों को हम लेकर गए हैं फैक्ट्री में वो दो लोग खेतों में काम करने वाले लोग थे स्किल्ड नहीं थे इंडस्ट्री में काम करना नहीं जानते थे तो जो टेक्निकल काम है वो नहीं कर पाएंगे जो टेक्निकल टूल्स हैं वो नहीं चला पाएंगे तो उनको सिंपल टूल्स के साथ काम करवाया जाए उनको उन इंडस्ट्रीज में लेकर जाया जाए जिनमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है तभी नक्शे ने सोशल ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको यूज करने की सजेशन दी है देन लीकेजेस फ्रॉम कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है अगर हम दस लोगों में से दो लोगों एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनको फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं और उनका जो खर्चा है उनके पुराने जो फैमिली हैं आठ वही दे रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है सेविंग पोटेंशियल इन डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द कंडीशन दैट द पीपल वर्किंग ऑन फैमिली फॉर्म डू नॉट रेज देयर कंजन लेवल इवन आफ्टर सम ऑफ देयर रेलिटिव आर वेड फ्रॉम फार्म एंड एंगेज एल्सवेयर ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब तो जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो आठ लोग हैं ये जो हजार रुपए कमा रहे हैं ये अपना खर्चा आठ सौ ही रखें बस आठ सौ से ना बढ़ाएं ये मेन कंडीशन है मेन If this is not अगर ये आठ बंदे, 800 से ज्यादा खर्चा करने लग गए दो सौ रुपया जो बचाने का इनका पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा हिमसेल पॉइंटेड आउट दैट देर आर सेवर लीकेजेस इन दिस पोटेंशियल। बट से को खुद भी लग रहा है कि ये मुश्किल है थोड़ा क्योंकि ये लोग जो हैं दस लोग पहले इस हजार रुपए को खर्चते थे तो अब आठ लोग आठ सौ को खर्चे इसके चांस कम है ये आठ लोग अब हजार को खर्च सकते हैं क्यों रिमेनिंग पीपल वर्किंग ऑन फैमिली फार्म्स वुड रेज देयर कंजम्पशन वो कंजम्पशन अपनी रेज करेंगे आठ सौ से बढ़ाएंगे बिकॉज प्रेजेंटली दे आर लिविंग इन एट सबसिस्टेंस लेवल क्योंकि वो जो आठ सौ रुपए खर्च रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम है मतलब जो उनको मिनिमम चाहिए था सिर्फ वही चीजें वो लेते थे अब इनके पास दो सौ रुपये एक्स्ट्रा है तो वो दो सौ रुपये अपने दो बाकी दो के की बजाय खुद स्पेंड कर सकते हैं अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ा सकते हैं कंजम्पशन लेवल बढ़ा सकते हैं और क्यों ये लीकेज बन सकती है वर्कर्स शिफ्टेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो दो लोगों को हम ले गए विल आल्सो रेज देयर कंजम्पशन लेवल बिकॉज नो दे अर्न मोर तो पहले इन दो लोगों की तो प्रोडक्टिविटी थी वो थी जीरो अब इन दो लोगों की प्रोडक्टिविटी है पॉजिटिव तो ये दो लोग भी अब दो सौ रुपये में नहीं काम चलाएंगे ये दो लोग भी अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे एंड तीसरी प्रॉब्लम जो आ सकती है तीसरी प्रॉब्लम आ सकती है ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया तो ये आठ लोग जो हैं अगर ये दो अपने जो और रिलेटिव्स हैं जो चले गए दूर इनको दो सौ रुपये देना चाहें इसमें से तो ये दो सौ रुपये मतलब इसको अगर ये फूड सप्लाई करें शेल्टर शेल्टर तो नहीं सप्लाई कर सकते क्लोथ सप्लाई करें तो ये सप्लाई करने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ सकती है तो ये कुछ लीकेजेस हैं अगर हम इन लीकेजेस को प्लग कर लें तो फिर नरक्से का थीसिस ठीक हो सकता है तो कैसे हम इन लीकेजेस को प्लग कर सकते हैं फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर टैक्सेशन द गवर्नमेंट कैन टैक्स द सरप्लस इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स तो गवर्नमेंट जो है जैसे जो आठ लोगों ने हजार का आउटपुट किया तो गवर्नमेंट इनसे टू हंड्रेड का आउटपुट खुद ले ले विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस आठ सौ का इनको चला जाए और दो सौ का चला जाए गवर्नमेंट को खुद गवर्नमेंट इनसे ले ले आठ सौ इनको दे दे और दो सौ खुद ले ले एंड गिव द सेम टू एंगेज्ड इन द कैपिटल प्रोजेक्ट्स तो ये दो सौ जो है गवर्नमेंट मतलब ट्रांसफर कर दे एक तो ये काम हो सकता है सेकेंड कंपल्सरी सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये जरूरी कर दे कि ये सरप्लस जो फूड है दो सौ ये गवर्नमेंट को सेल करें तो इसके लिए गवर्नमेंट इनको आ, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फिक्स प्राइस ऐसी चीजें करें दिस मेथड इज फेयरली पॉपुलर इन लेस्ट डिवेल्प कंट्रीज तो लेस्ट डिवेल्प कंट्रीज में भी ये चीजें होती हैं गवर्नमेंट जो है वो बाई कर लेती है एट फिक्स प्राइस देन कॉम्प्लीमेंट्री सेविंग्स सम एडिशनल सेविंग्स में भी रेस्ड फ्राम बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल सोर्सेज तो गवर्नमेंट और काम भी कर सकती है कि थोड़ा फनास कहीं और से जनरेट कर सकती है ताकि इन लोगों को अगर थोड़ा बहुत कम्शन बढ़ा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम ना आए आठ लोगों ने और इन लोगों ने दो लोगों ने अगर दो लोगों को अगर और ज़्यादा कहीं से भी भेज देने पड़ गए तो वो दे पाए फैक्ट्री तो और अरेंजमेंट फनास के किए जा सकते हैं दीज आर दल्यूशंस नो क्रिटिसिजम ऑफ दिस थ्यूरी पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट इज द लीकेज जैसे हमने देखा सम लीकेज लीकेजेस इन पोटेंशियल सेविंग्स आर सो वाइटल वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि लीकेज जो, जो हैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दैट दे आर डिफिकल्ट टू बी प्लगड तो वो प्लग नहीं हो सकती लीकेज खत्म नहीं हो सकती थ्रू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेस हम कितना ही ट्राई करें तो लीकेज को हम कम नहीं कर सकते एक तो ये प्रॉब्लम है सेकेंड क्रिटिसिज्म लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हमने देखा बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम इन अंडर डेवेल्प कंट्रीज क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज में इनकम का लेवल लो है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सेविंग करना मुश्किल है एक्सटर्नल असिस्टेंस मिले ना मिले दैट इजर्टेंटी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन द रिमेनिंग वर्कर्स ऑफ फैमिली फार्म जो आठ लोग बच गए वुड रेज देयर कंजम्पशन वो आठ सौ से अपना कंजम्प्शन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे आल्सो द माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर हम बोल रहे हैं जो दो लोग चले गए इन द कैपिटल सेक्टर विल इंक्रीज देयर कंजम्पशन तो वो भी अब दो सौ से नहीं काम चलाएंगे वो भी अपना कंजन बढ़ाएंगे क्योंकि अब उनको वेज मिलती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ दीज वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू इनक्रीज तो जो प्रपेंसिटी टू तो कंज्यूम है वो इन लोगों की बढ़ जाएगी परपैस्टिटू कंज्यूम मतलब खर्चा करने का इनका नेचर वो बढ़ जाएगा ओइंग टू सेवरल फैक्टर्स क्यों क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि उनके वेज इनक्रीज हो गए क्योंकि पहले तो खेतों में सबसिस्टेंस लेवल पे ही थे तो डेमोस्ट्रेशन अफेक्ट है वो जब शहर में जाएंगे फैक्ट्री में काम करेंगे आस पास लोगों का देखेंगे तो खुद भी कन्जम्पन करेंगे अर्बन इन्वायरमेंट का अफैक्ट उन पर पड़ेगा उनका रहना सहना खाना पीना सारा कुछ चेंज हो जाएगा और उनकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी लेस प्रोडक्टिविटी तो इन एग्रीकल्चर इन लेस डिवेल्प कंट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर तो जो अंडर डिवेल्प कंट्रीज होती हैं इनमें ज़्यादा तौर पर एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम लिया जाता है मशीनरी कम यूज होती है अगर हम डिवेल्प कंट्रीज के खेत देखें तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो खेतों में बिछा रखी हैं जो स्प्रे के लिए पानी के लिए काम आती हैं बट हमारे यहाँ या इंडिया में या कहीं अंडर डेवेल्प कंट्रीज में ज्यादा जो काम है वो मैन्य लेबर के साथ किए जाते हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है सो दैट इफ सम वर्कर्स समर्स वेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर आउटपुट में सफर ठीक है वो चाहे डिस्गजली ही अनएम्प्लॉयड है बट कुछ उसकी हेल्प होगी और जब वो खेतों से जाएगा एक्स्ट्रा वर्कर ही है चाहे तो बाकी आठ लोग जो हैं वो हो सकता है कि उतनी मेहनत से काम ना कर पाए कि अभी भी वो हजार आउटपुट पैदा कर लें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफिकल्ट दिस इज अगेन डिफिकल्ट टास्क तो जब तक हम ये कौन बंदे दो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि जब हम दस लोगों को देखेंगे खेतों में काम करते हुए तो हमें दस के दस ही काम करते हुए दिखेंगे और अगर अगले साल हम आठ लोगों को काम पे लगाएं तो भी काम उतना ही होगा तो कौन से दो बंदों को हटाया जाए क्योंकि किसी को भी दो को हटा लो काम पर फैक्ट्री पड़ रहा तो जब तक हम ये दो बंदों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन से दो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि अगर ये आइडेंटिफाई हो जाएं फिर तो ये डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट ना हो फिर छुपी हुई ना हो अगर आइडेंटिफाई हो गए फिर तो ओपन हो गया तो डिस्काइज का मतलब छुपे हुए बेरोजगार हैं तो वो निकालने ढूंढने मुश्किल हैं और जब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इट इज इम्पोसिबल टू ट्रांसफर द फार्मिंग वर्कर टू कैपिटल प्रोजेक्ट तो कैपिटल प्रोजेक्ट में कैसे ट्रांसफर करेंगे इट इज ओनली थ्रू द लेबर मार्केट दैट वर्कर्स द एग्रीकल्चर सेक्टर तो लेबर मार्केट के थ्रू ही हो सकता है लेबर मार्केट मीन्स भी एक लेबर की डिमांड हो जहां पर पता हो कि इतनी वेज मिलेगी तो लोग वहां पे अपनी लेबर सप्लाई देने के लिए जाए जब लेबर सप्लाई देने के लिए लोग जाएंगे तो अपने आप ही जो लेबर है वो खेतों से बाहर आएगी बिना खेतों का आउटपुट डिस्टर्ब किए दस हैव टू बी ऑफर्ड हायर वेजेस तो वो तभी होगा जब उनको हायर वेजेस मिले अदर क्रिटिसिजम आर डिफिकल्टीज इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर तो अगर हम दो लोगों को आइडेंटिफाई कर भी लें इफ द कैपिटल प्रोजेक्ट आर लोकेटेड फार फ्रॉम रूरल एरिया वो कैपिटल प्रोजेक्ट यहाँ पर हम इन दो लोगों को लेके जाना चाहते हैं अगर वो प्रोजेक्ट दूर हों तो रूरल वर्कर्स जो हैं वो विलिंग नहीं होंगे वहां जाने के लिए मे नॉट बी विलिंग टू गो देर क्योंकि डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्राइट सिंह ब्राइट सिंह इज अ प्रोफेसर एट कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोचीन केरला इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ब्राइट सिंह इफ कैपिटल अगर कैपिटल प्रोजेक्ट जो हैं वो विलेज के पास ना हो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वुड बी वेरी हाई तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और भी हाई हो जाएगी वहां पर रोटी कपड़ा मकान भेजना या कुछ भी मतलब जो आना जाना ऑन द अदर हैंड इफ इग्नोरिंग द इकोमिक रेशन ऑफ लोकलाइजेशन अगर हम इग्नोर कर दें कि कैपिटल का प्रोजेक्ट कहाँ लगाएं दीज प्रोजेक्ट आर स्टार्टड क्लोज टू द विलेजेस तो अगर हम ये सोचें कि यार लेबर दूर जाके तो काम नहीं करेगी इसलिए क्यों ना हम कैपिटल प्रोजेक्ट जो है वो लेबर के पास ही लगा दें रूरल एरिया के पास ही लगा दें तो वो हो सकता है ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो नॉट एप्लीकेबल टू डेमोक्रेटिक स्टेट्स इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस डॉक्ट्राइन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे इनको करना मुश्किल है क्योंकि जबरदस्ती एग्रीकल्चर टैक्सेशन लगाना या फार्मर्स का प्रोड्यूस एक्सेस सरप्लस जबरदस्ती बाय करना ये चीजें मुश्किल हैं अकॉर्डिंग टू नर्क से सम ऑफ़ द अंडर डेवलप कंट्रीज डू हैव पोटेंशियल डोमेस्टिक रिसोर्स अवेलेबल फॉर कैपिटल कंस्ट्रक्शन बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं जिनके पास पोटेंशियल सेविंग रिसोर्स है जिसको वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं बट इट मे बी वेरी हार्ड टू मोबलाइज तो वो मोबलाइज करना मुश्किल है विदाउट रिजॉर्टिंग टू कोर्सिव मैथड्स बिना कोई बढ़िया तरीके या कोई ऐसे तरीके अपनाए कि जो लोगों को एप्लीके सारे एक्सेप्टेबल हों तो ऐसे तरीके अपनाए बिना ये बड़ा मुश्किल है कि जो सेविंग पोटेंशियल है उसको हम कैपिटल के लिए यूज़ कर सकें कैपिटल कंस्ट्रक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या फिर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए डिफिकल्ट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ लेबरर्स। अब जो फार्मर्स लेबरर हैं जो हम दो लोगों को हटा रहे हैं दे आर अनस्किल्ड इलिटरेट लेबरर हैं एंड दो नीडेड इन कैपिटल प्रोजेक्ट आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड और कैपिटल प्रोजेक्ट में जो चाहिए वो स्किल्ड चाहिए एजुकेटेड चाहिए तो ये एक प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू कुरिहारा कैनथ के कुरिहारा वॉज अ डिस्टिंग प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक थियोरी एट द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यू एस ए अकॉर्डिंग टू कुरिहारा इफ अनस्किल्ड एंड इलिटरेट वर्कर्स आर एज सच एम्प्लॉयड ऑन द कैपिटल प्रोजेक्ट अगर हम इलिटरेट वर्कर को अनस्किल्ड वर्कर को अनट्रेन्ड वर्कर को एज इट इज कैपिटल सेक्टर में एम्प्लॉय कर दें लगा दें There would hardly be any meaningful contribution. तो उनकी जो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगी टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्योंकि वो कैपिटल वाला काम कर नहीं पाएंगे माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स जो हम दो लोगों को लेके जा रहे हैं एज एंड वेन दे स्टार्ट वर्किंग तो जैसे ही हम दो लोगों को फैक्ट्री में लेकर गए उनको काम पर लगाया तो साथ के साथ हमें उनको वेज देनी पड़ेगी दो लोगों को पर जो आउटपुट है कैपिटल प्रोजेक्ट का वो होगा आफ्टर सम टाइम क्योंकि फैक्ट्री चलती है उसके बाद प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन बिकता है सेल होता है फिर जाके मतलब वो मनी आती है बट जो लेबर है उसको पहले ही पैसे देने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंटली डिमांड टेंस टू एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट अब जैसे लेबर है लेबर को हमने काम पर लगाया आज हमने उसको सपोज सौ रुपये दे दिए तो आज ही मार्केट में जाके सौ रुपये खर्चेगा तो मार्केट में डिमांड होगी चीज़ों की बट जो आउटपुट पैदा होगा उस लेबर ने जो किया एक्स्ट्रा आउटपुट वो होगा जाकर बहुत टाइम बाद क्योंकि फैक्ट्री चलेगी फैक्ट्री आउटपुट पैदा करेगी फिर आउटपुट तैयार होगा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पैकिंग होगी मार्केट में आएगा शॉप पे आएगा सेल होगा तो एक टाइम लगेगा तो मार्केट में प्रोडक्ट आने को टाइम लगेगा जबकि मार्केट में डिमांड पहले ही हो जाएगी तो जो डिमांड है, वो ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से तो इससे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो इस प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से जो वर्कर हैं, वो डिमांड करेंगे और ज्यादा वेज क्योंकि उनको लगेगा कि प्राइस ज्यादा है इसलिए हमें और वेज दो तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है इंक्रीज इन पॉपुलेशन राइजिंग पॉपुलेशन में मोर देन ऑफसेट द स्टिमूलाए ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन तो जो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो कैपिटल फॉर्मेशन का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा एमिनेटिंग फ्रॉम डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट तो जो भी हमने डिस्काइड अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो प्रोड्यूस की है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई डिस्काइड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्या होगा डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है तो जैसे दो लोगों को आप ले गए दो लोग और आ गए वहां पे तो फिर कहा लेके जाओगे कितने बार लेके जाओगे ये मुश्किल है एंड लास्ट क्रिटिसिज्म टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रेलिटी दिस थ्योरी ऑल्सो एम्प्लॉयज कंट्री कैन प्रोग्रेस बाय में टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रेलिटी बट द फैक्ट इज दैट लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इज टू बी इनकर्ड बाई एनी नेशन फॉर एक्वायरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा सो वेरी एसेंशियल फॉर द एफिशियंट ग्रोथ ऑफ़ द सिस्टम जो कि बहुत जरूरी है तो इतना पैसा खर्च करना किसी अंडर डेवेलप कंट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा तो तभी इसकी नरक्शे की डेफिनेशन है जो हम पहले चैप्टर में भी देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंिकॉज इट इज देर आर समस्फ दिस चैप्टर वो मीन वक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टन इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा समय तक जब कोई इंडस्ट्री डिक्लाइन हो जाती है तब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है इट अराइज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड कैपिटल एक्सेट्रा आर इन शॉर्टेज तो सपोज लैंड नहीं है कैपिटल नहीं है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है लेबर आर एलिक्यूप्ड लेबर के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है तो प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं है नई इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं देर इज चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्नीक प्रोडक्शन टेक्नीक चेंज हो गई तो लेबर को वो टेक्निक आती नहीं एंड नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री वो चेंज हो रहा है तो जैसे सपोज करो पहले फ्लॉपी डिस्क का काम था फिर सी आए फिर उसके बाद पेन ड्राइव आए तो फ्लॉपी डिस्क अगर किसी को काम आता था सपोज उनको पेनड्राइव का काम नहीं आता तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ऐसे चेंजेस इकोनॉमी में आते रहते हैं इसके लिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वट इज़ द सबसिस्टेंस सेक्टर सेक्टर पीपल आर प्राइमली एंगेज इन एग्रीकल्चरल हम कहते हैं रहने, सहने के लिए काम करना उससे ज्यादा नहीं sector, sector? Sector तो इन दैक्टर देर इज डिस्काइडमेंट एंड लो वट इज अपिटलिस्ट सेक्टर दिस सेक्टर इज डोमिनेटेड बाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तो इनमें ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है इनमें जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है लेबर की इट इज वेरी हाई एंड इज ऑल्सो वेरी हाई दिस वॉज ऑल अबाउट द Narkse Thesis of Disguised Unemployment. Thank you for watching this video. Thanks.